सिर्फ और सिर्फ फोटोज में देखा था हम लोगों ने। ताजमहल नहीं है ये, तेजू महल है। मुझे ये कंफर्म नहीं है कि हम लोग ताजमहल जाएंगे। ये मेरी थीसिस है। ये वाली जो कैट है ना ये बहुत ज्यादा शैतान है। हमारा ताजमहल का प्लान है ये, मतलब बहुत दिनों से भाई डिले हो ही रहा था। फिर हम लोगों ने बोला कि भाई जैसे एग्जाम खत्म होंगे तुरंत चलेंगे। हम लोगों के एग्जाम वगैरह खत्म हो चुके हैं, अभी थीसिस वगैरह सबमिट करने हैं। मुझे अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि हम लोग ताजमहल जाएंगे या नहीं जाएंगे। सो अगर जाते हैं तो हम आपको साथ में लेके चलेंगे, है ना। एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेमोरी, वो मेरे ब्लॉग में कैप्चर हो जाए। ये मेरी थीसिस है, टॉपिक था ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर ऑन इफेक्ट ऑफ HITT वर्सेस MICT ऑन बॉडी कंपोजिशन इन ओबीस एडल्ट। अगर हम अपनी रिसर्च की बात करें तो मेरी रिसर्च में ये था कि हम लोगों ने दो इंसान लिए, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, दो इंसान लिए। एक इंसान को हम लोगों ने टाइम ड्यूरेशन ली 1 घंटे की, एक इंसान को हम लोगों ने 1 घंटे तक लगातार वॉक करवाया, नॉर्मल वॉक कराया MICT, ठीक है। दूसरे इंसान को हम लोगों ने 10 मिनट के लिए भगाया, फुल रे मतलब फुल उसकी पावर के साथ 10 मिनट 5 मिनट जितना भी हो सकता है उसको भगाया, फिर उसको रेस्ट कराया 5 मिनट, फिर दोबारा उसको भगाया, फिर उसको रेस्ट कराया 5 मिनट। तो वेट किसका सबसे जल्दी कम होगा, दैट इज जिसको हम लोगों ने भगाया और रेस्ट दिया, इसको बोलते हैं HIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। है कि जो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है वेट कम करने के मामले में देन MICT, मॉडरेट इंटेंसिटी कंटिन्यूस ट्रेनिंग। ये समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा। तो यहाँ पे चल रहा है अभी महायुद्ध लूसी वर्सेस बेला। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी बेला यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पिटते हुए, लूसी थोड़ा थोड़ा प्यार भी जताते हुए, बेला ने भागने की कोशिश करी, लूसी ने उसे दोबारा से धर लिया और गिरा दिया और धोबी पछाड़ कर डाली। लूसी अपने वजन का फायदा उठाते हुए बेला अपना पिछले वाले पैरों से बचाव करते हुए, ओह माय गॉड ये कितनी ज़्यादा ताकत से लड़ाई हो रही है। लूसी अपने वजन का अच्छे से फायदा उठाते हुए, बेला अपने पैरों का फायदा उठाते हुए, लेकिन यहाँ पे बेला हमको पिटते हुए दिख रही हैं और ये लूसी ने दोबारा से धाराशाही करते हुए बेला को गिरा डाला और ये लूसी बचते हुए, बेला भी बचते हुए। थोड़ा सा शांति का माहौल है अब। ये मारेगी लूसी, ये भाई साहब। लूसी ने इस बार पूरा का पूरा बेला को गिरा के पीछे की तरफ लेके गई और अब बेला थप्पड़ का फायदा उठाते हुए लूसी से बचने के लिए थप्पड़ मार के भागी, लेकिन भाग नहीं पाएगी। ये राज सिंहासन पे चढ़ गई तो क्या हो गया, वहीं पिटेगी अब तू। ये लूसी ने वहीं पे उसको ले जा के बहुत मारा और बेला ने उसको वहां से भगा दिया। अब बेला राज करेगी, लड़ाई ख़त्म। अरे यार अभी तो मज़ा आना स्टार्ट हुआ था। दो बार यहाँ रखा और ये लूसी बार बार गिरा दे रही है इस तरीके से, देखो। फिर अब नहीं गिराना, मैं बता रहा हूँ मारूंगा लूसी बहुत ज़्यादा। डर नहीं लगता, ये लूसी के जो फर हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं और ये टूटते बहुत ज़्यादा हैं। ये देखो, अगर ऐसे एक बार कर दूँ तो ये देखो इसके फर बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे घर में हर जगह पे इसके फर ही फर हैं। अरे क्या था, हैप्पी पीपल हैव फर ऑन देयर क्लोथ, ऐसा करके कुछ था। ये वाली जो कैट है ना ये बहुत ज़्यादा शैतान है। पहला मतलब जान है भाई, पूरे घर में उधम मचा के रखती है, रौनक है। को निकलना है सुबह, अगर सब कुछ सही रहता है और हमारा प्लान अगर प्लान के मुताबिक चलता है तो हम लोग इंशाल्लाह कल ताजमहल जाएंगे, गर्मी में ही सही जाएंगे। ये स्क्रिप्ट में नहीं था, ये स्क्रिप्ट में था। चाय है, गिर जाएगी वरना। सॉरी बोल। ज़्यादा धूप हो गई है अभी से, समझ नहीं आ रहा भाई क्या होगा ताजमहल में। धूप गर्मी कुछ मैटर नहीं करता, चाय इज़ मैंडेटरी। हेलो गाइस, वेलकम टू आगरा व्लॉग। अभी हम लोग अंदर की तरफ आ चुके हैं और यहाँ से 750 मीटर हमको पैदल चल के जाना है और धूप बहुत ज़्यादा तेज हो रही है। बेगम नाराज़ हो गई है, बेगम वहाँ घूम रही है भाई। तुम्हारी बेगम होगी, हमारी मेरी और इसकी दोनों की है। ब्राइटनेस कम करो थोड़ा। ब्राइटनेस कम करो ना थोड़ा। भाई ग्रेनेड ले जाना मना है, जल्दी निकाल बाहर, जल्दी बाहर निकाल। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि मना है। ड्रोन भी मना है यार। शिट यार, हम ड्रोन नहीं उड़ा पाएंगे।
सो गाइस, जो हम लोगों की टिकट थी वो हम लोगों ने कर ली ऑनलाइन, बहुत जल्दी हो गया और ये ज़्यादा अच्छा था इतनी सारी लाइन से बचने के लिए। फाइनली अंदर की तरफ आ चुके हैं हम लोग, दिस इज आवर फर्स्ट टाइम। क्यों भाई तेज क्यों चले भाई, ये तो हुमायूं टॉम लग रहा है। आज तक यार सिर्फ और सिर्फ फोटोज में देखा था हम लोगों ने। मेरी एक सोलो खींच यार, मर जाएगा फोटो खिंचा खिंचा के। आज महल के करीब यार कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। ऊपर नहीं जा सकते पर हम, क्यों ऊपर ही तो कमर है, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। टीवी में हम जब देखते हैं और हम ऐसे जब देखते हैं तो बहुत ही डिफरेंस है, मतलब जिसे कहते हैं ना जमीन आसमान का फर्क, वो है ये आसमान है। दिस वन इज मॉस्क। Guys, let me tell you one thing about Taj Mahal. Taj Mahal is symmetrical from all the directions. If you see Taj Mahal from east, west, south and north, you will see Taj Mahal. Yeah. मतलब ताज महल नहीं है ये, तेजू महल है। बस मैंने गाइड को बोलते हुए सुना था कि ताज महल मतलब किसी भी डायरेक्शन से देखो वो सेम ही दिखेगा, और सही बात है। हम लोगों ने सामने से देखा था वहाँ से तो भी सेम दिख रहा था, इस साइड से देखा तो भी सेम ही दिख रहा है माशाल्लाह। मतलब अभी तक सिर्फ फोटो में देखा था और सामने से देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और मतलब आर्किटेक्चर अगर देखें ना इन सब चीज़ों का तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है सारी चीज़ें। यार कितनी शांति है यहाँ पे। अरे वहाँ पे कुछ सैफ हैं इतने सारे। एक सवाल है पूछिए, जब से ये बंद तैयार हुआ है अभी तक में कितना वॉल्यूम पानी का यहाँ से बह चुका है? हिसाब लगाने के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो तुम्हें खुदा देते पढ़ाई थोड़ा तेज बोलो। मैथमेटिक्स पढ़ाई है पर हमने मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं, फेल हुए हम। अस्तग़फ़िरुल्लाह। गेस्ट का ये गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है मेरे लिए। ताजमहल के राइट साइड पे गेस्ट हाउस है और जो उस साइड है वो वाला मॉस्क है माशाल्लाह। कृपया बंदरों से दूर रह, चल दूर जा, दूर जा, दूर जा, दूर जा, दूर जा। मूविंग टुवर्ड एग्जिट, बहुत ज्यादा धूप है, हालत खराब हो गई। गाइस आगरा आए और पेठा नहीं खाया, ऐसा तो हो नहीं सकता, हो भी सकता है।